एपेक्स एंग्रो ओरिएंटल स्कूल एंड कॉलेज से फारिगुल तहसील तलबा के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए थे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बनाए जाने वाले मशरूबात और हाथ से बने मलबूसात के स्टॉल शामिल थे। सकाफती खानों में देसी गोली, आटे से बना मोल, दिरम, छुपटी, जबकि देसी मशरूबात में लस्सी और सूखी खुबानी से बना मशरूब, छमूस और देकर खाने शामिल थे। तलबा ने स्टॉल्स में लगाए गए सामान के हवाले से मेहमानों को प्रेजेंटेशन दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोग्राम मैनेजर रेडियो पाकिस्तान गिलगित अहमद सुहेल पसरा थे। उन्होंने तलबा से खताब करते हुए कहा, वो मुझे खुशी हुई कि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो वैसे कर रही है, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये आप में मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। एक जो मुझे छोटी सी कमी महसूस हुई वो ये थी कि जब आपने मुख्तलिफ इलाकों के नाम बताए तो उनके मतलब, जैसे अब गिज़र का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, या जो हमजा है उसकी उसकी एक हिस्ट्री क्या है, उसको हमजा को हमजा क्यों कहते हैं, लाइक इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को तो यकीन पता होंगी, और अगर नहीं पता तो पता कीजिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि एक जो अस्तौर है उसका, उसने बच्चे ने थोड़ा बताया कि अस्तौर जो है उसका मतलब क्या है, तो ये चीज़ें जो हैं अगर हमें पता चलें तो वो ज़्यादा उस इलाके के साथ ना फिर वो वाबस्तगी ज़्यादा हो जाती है, जब आप उस चीज़ के नाम का भी पता हो फिर वजह भी हमें पता चलती, जैसे वजह तस्मिया कहते हैं कि इस चीज़ का नाम जो है वो ये क्यों डला। जो एक उम्र का जो खलंडरापन है ना उसे ज़रूर रखिए अपने साथ। वक्त से पहले जो मैच्योरिटी है वो नहीं अच्छी। वो हमारे प्रोफेसर होते थे डॉक्टर मेहदी हसन, पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके घर में बनी थी, डॉक्टर मुबशर हसन और डॉक्टर मेहदी हसन, ये वो सारे जो, तो वो हमें पढ़ाया करते थे। तो उनके पास ना गाड़ी होती थी फॉक्सी, नीले रंग की बड़ी पुरानी गाड़ी फॉक्सी, तो उसके दरवाजे जो थे वो खुद ब खुद ही खुल जाते थे, बंद नहीं होते थे। अच्छा, हमारे करीब ही कोई ये पपीज जो होते हैं वो, तो हम दरवाज़ा खोल के तो वो छोटे छोटे से पपीज उनके गाड़ी के अंदर बंद कर देते थे, तो वो जब दरवाज़ा खोलते थे तो वो पपीज चीखते हुए बाहर निकलते थे, तो वो फिर हमें गालियाँ निकालते थे। अच्छा, उनकी गालियों में एक शफकत थी, वो भी मज़ा लेते थे, बड़ा प्यार करते थे। तो इस तरह की जो छोटी मोटी जो चीज़ें जो नुकसान ना पहुँचाएँ, ठीक है, तो इसको ज़रूर अपने साथ अपने रखना है, और यही आपकी यादें हैं। जो पढ़ना है, जैसे मैम ने कहा कि जो पढ़ाई है वो तो आप घर में रह कर भी पढ़ सकते हैं, आप प्राइवेट पढ़ें, किताबें मिलती हैं, सारा कुछ मिलता है। तो जो आपकी शख्सियत के जो पेंटिंग्स होती हैं ना, पेंटिंग उसमें कई रंग होते हैं, ठीक है, वो सारे रंग मिलते हैं तो पेंटिंग एक कलरफुल इम्पैक्ट देती है कंप्लीशन का। तो ये जो रंग है ना आपकी शख्सियत के जिसमें आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, गेम्स कर रहे हैं, कोई चाह रहा है उसके आगे यूं करके टांग कर दी है, ठीक है, कोई पीछे से बैठा हुआ है उसके पीछे आपने कोई चीज़ लिख कर लगा दी है, ये चीज़ें जो हैं ये आपको नहीं मिलेंगी, ये आप अपने घर में नहीं कर सकते, ये आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं आप वहीं पर ये चीज़ें सीखते हैं, और ये चीज़ें फिर जो आगे जाके आपकी यादों का हिस्सा बनते हैं, और वक्त गुजर जाता है। मैं यहाँ पे कोई 10 लाख साल पहले दुनिया बनी और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग आए और कितने चले गए, आप जैसे कितने लोग आएंगे कितने चले जाएंगे, अपना किरदार जो है वो आपने अदा करना है, और उसे बड़ी ही खूबसूरती से और बड़े बैलेंस्ड तरीके से अपने किरदार को अदा करें। वालदैन को उनका हिस्सा दें, बहनों को उनका हिस्सा दें, भाइयों को उनका हिस्सा दें, अपने दोस्तों को सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके में अपना हिस्सा अदा करें, अपना किरदार अदा करें उसमें, तो ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो वो फिर एक खूबसूरत शख्सियत जो है वो सामने आएगी। तकरीब विदा है कि अहदे अज़्म यकीन है, एपेक्स का कॉलेज है या फिर दो से बनी है। तकरीब विदा है कि अहदे अज़्म यकीन है, एपेक्स का कॉलेज है कि फिरदौस
बरी है। गर्दू ने भी देखा तो पहुंचा अपनी जगी है, शुरका भी हसी है तो ये महफिल भी हसी है, ये महफिल भी हसी है। कोई कावे की बस्ती है या तूर समा है, उस्ताद हर एक इल्म का एक पूरा जहां है। देखो तो गले लगते हुए जाते हैं रुखसत, ये तकरीब है अलविदाई इस हवाले से। देखो तो गले लगते हुए जाते हैं रुखसत, क्या वक्त है हिलने की नहीं मुझ में है ताकत। आंसू भी बहे जाते हैं बरसात के सूरत, यादों को नहीं आह बका से कोई, यारों को नहीं आह बका से कोई फुर्सत। मौसम है बिछड़ने का और ये वक्त दुआ है, रोक के से कभी अश्क का तूफान रुका है। वो वक्त गुजारा है जो हंस हंस के यहाँ पर, वो वक्त गुजारा है जो हंस हंस के यहाँ पर, हर लम्हा हुआ जाता है एक तीर कमा पर। शाही है रुद खजा के जो गुलजार गुमा पर, शाले से पड़े जाते हैं बोलू तो जुबा पर। शाले से पड़े जाते हैं बोलू तो जुबा पर, हे मेरे मौला ये समाज दर्द फिशा है, कि साल में शोरा हमें जालिम ये जमा है। वो चांद वो सितारे वो सुरैया वो कहकशां, वो भी शरीक के गम में जो है जर्द आसमां। एक शोर बपा है जो लरसता है लामकां, वो गम है जुदाई का नहीं इसका है दरमा। दिल डूब डूब जाता है सीने में इधर आज, चेहरों में गटा शाही हुई गम की उधर आज। ये जो माह साल आपने कालीज में गुजारे, ये आसमां था आप थे बस इसके सितारे। फारिग जो हुए जागे हैं अब बाग तुम्हारे, माँ बाप के तुम माँ जो हो बहनों के दुलारे। पहलू में खुशी भी है मेरे गम के साथ साथ, शहनाइयां भी बजती है मातम के साथ साथ। क्या बात है, बहुत खूब। कह देंगे अलविदा मगर कह देंगे तो कैसे, कह देंगे अलविदा मगर कह देंगे तो कैसे। सीने में दिल है माहिए बेआब हो जैसे, अब के जो बिछड़ जाए तो मिल जाएंगे ऐसे, जिस तरह सूखे फूल किताबों में है वैसे। कहने को अलविदा तुम्हें दिल मानता नहीं, कहने को अलविदा तुम्हें दिल मानता नहीं, दस्तूर इस जहान का है ये दिल जानता नहीं। दस्तूर इस जहान का है ये दिल जानता नहीं। जाओ तुम्हें करते हैं हम अल्लाह के हवाले, पर बात ये अजीज के ले जाओ संभाले। मैदान विगा में जो रखे हाथ में बाले, मुझे भी समंदर की वही मर्द उछाले। हिकार गए जीस्त में खुरसंद अर जमन, वो लोग जो रखते हैं दिले बेदार उदर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जीबी के हंसी पे घर में रहते हैं, जरा मेरे वक्त देखो जमीन के सर पे रहते हैं, जरा मेरे वक्त देखो जमीन के सर पे रहते हैं। चमन के हुस्न और चश्मों के मीठे पन से लगता है, चमन के हुस्न और चश्मों के मीठे पन से लगता है, किसी जन्नत में हम हमसाये को सर में रहते हैं, किसी जन्नत में हम हमसाये को सर में रहते हैं। हम अपने देश जीबी के हसी पे घर में रहते हैं, जरा मेरे वक्त देखो जमी के सर पे रहते हैं।
इंतहा कोई तेरे इल्म के इंतहा कोई तेरे इल्म तकरीब से खताब करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शहनाज ने कहा, अभी ये जो सेकंड ईयर के बच्चे यहाँ से पास आउट होके जा रहे हैं, मेरी वेल विशेस हैं उनके लिए, मेरी दुआएं, आप सब अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएं, आप अच्छा पढ़ें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, आप अपने स्कूल कॉलेज का, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगा आप सब में, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पार्टी, आपकी प्रेजेंटेशन, सब कुछ, इससे मुझे पता चलता है कि आपके इंस्टीट्यूशन में आपके टीचर्स आप पे कितना मेहनत करें, आपकी मैनेजमेंट की स्टाफ आप पे कितना मेहनत कर रही है। और फर्दर आपने अभी, आपके प्रिंसिपल भी यही कह रहे थे कि फर्दर आपने इस तरह के आपके इंस्टीट्यूशन में ये इवेंट्स होते रहेंगे, तो ज़रूर आप सब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप ये जो बुक्स पढ़ते हैं, आपके पास कंटेंट आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो आपकी लर्निंग होती है ना बच्चों, ये आप इसी से ही आपकी तमाम स्किल्स, जो आपकी पर्सनैलिटी में जितनी भी जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जो स्किल्स की आपकी प्रमोट होती, जो स्किल्स आप में ग्रो होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से होंगे, इन तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज़ से। आपने ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना। और फर्दर फिर अभी आपके स्पोर्ट्स वीक के बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो ज़रूर मैं इसमें खुद भी मैं पार्टिसिपेट करूँगी, और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, मैं बेसिकली फेडरल मिनिस्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अगर फेडरल मिनिस्ट्री का भी तावन इसमें हुआ, मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि हम इसमें प्राइवेट स्कूल्स के लिए हम ज़रूर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लें कि आप तमाम एक ही प्लेटफॉर्म पर, आए, आपको कोई इस तरह के को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आपको एक हम प्लेटफॉर्म मुहैया करें, या फिर इस तरह का कोई भी एक प्लेटफॉर्म या कोई भी गेट टुगेदर जिसमें आपके लिए स्पोर्ट्स हों और अदर जो गेमिंग गेम्स हैं, और अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपने अपने कल्चरल परफॉर्मेंस या किसी कल्चरल इवेंट को सेलिब्रेट करना है, तो हम ज़रूर से ये जो प्राइवेट आपके जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, हम इसका एक पूरा सेटअप, एक ग्रुप बनाएंगे, और फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करेंगे कि आप वहाँ पे आएँ और अपने जितने भी आपके स्किल्स हैं, चाहे वो सिंगिंग में है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आप डांस अच्छा कर सकते हैं, आप किसी गेम में अच्छे हैं, तो आप अपने किसी भी स्किल को आप इजीली परफॉर्म वहाँ पे कर सकें। तो हम ज़रूर इस पर फर्दर आपके प्रिंसिपल से मैं इन टच रहूँगी, आपके मैनेजमेंट के स्टाफ के साथ मैं इन टच रहूँगी, और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है या दीगर जितने भी इंस्टीट्यूशन है, हम तमाम मिल के आपके लिए ज़रूर इस तरह के इवेंट्स मज़ीद हम फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.
तकरीब के अख्ताम पर तलबा ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाकाई गाने गाए और रक्स किया। बशारत हुसैन, दर्दिस्तान टीवी।